मेरा बेटा मुझे धोखा नहीं दे सकता। हेलो, इज दिस ऑल टाइम पिज़्ज़ा सेंटर? या सर, आई नीड अ पिज़्ज़ा अर्जेंटली। नो 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 सर, सिंपल। अरे कोई भी ला दो यार। मैं एड्रेस गांधीनगर, वीके अपार्टमेंट, एंड रूम नंबर 306। या थैंक यू। हेलो। हाँ, यही हूँ मैं। अच्छा, वहाँ से सीधे? ठीक है। क्या चाहिए आपको? अगर पिज्ज़ा चाहिए तो कल आ जाना, पिज्ज़ा सेंटर बंद चुका है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे काम है तो? मुझसे? मुझसे क्या काम है? बस कुछ पुराना हिसाब है। क्या? मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। 12th स्टैंडर्ड में
केमिस्ट्री के सर को दारू पिलाकर बॉटल मेरे बैग में छुपाने का हिसाब। बॉटल देवेश चतुर्वेदी। या माय ब्रो। कॉलेज के दिन बहुत याद आते हैं यार। हाँ यार, सिंडा पार्टी के बाद सब मानो गायब सी हो गई। अरे पार्टी से याद आया, मैं तुझे पार्टी के लिए बुलाने आया था। पार्टी? कौन सी पार्टी? राज कॉलेज की गेट टुगेदर पार्टी है कॉलेज में। फ्लाइट लैंड हुई नहीं तब से तुझे ढूंढ रहा हूँ, अब मिल गया तो बातें करने बैठ गया। चल चल जल्दी। नहीं यार, मेरा नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा से तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों नहीं हो सकता? दुकान बेच के एक साल हो गया, तब से यह काम कर रहा हूँ। यहाँ का काम खत्म नहीं होता तो माँ को टिफिन देने जाना पड़ता है। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है यार, मैं नहीं आ सकता। हाँ भैया, दुकान बंद कर दी मैंने। हाँ भैया, क्या इस वक्त कौन सी डिलीवरी है? पर आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। ठीक है भैया, जाता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? क्या हुआ? सेट का फोन था यार, आखिरी डिलीवरी है, जाना तो होगा। क्यों, सेठ को माँ की तबीयत के बारे में नहीं पता? उनको पता होता तो वो मुझे छुट्टी दे देते। माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए एक महीने से ओवर टाइम कर रहा हूँ। ऑपरेशन कब है? ऑपरेशन तो कल ही है। और तू आज पिज्जा डिलीवरी करने जाएगा? क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। एक काम कर, ये डिलीवरी मैं देता हूँ और तू अभी अपनी माँ के पास जा। नहीं नहीं, ये मेरा काम है, मैं जाऊँगा। बात सुन, डिलीवरी मैं देता हूँ। माँ कौन से हॉस्पिटल में? पीजी गवर्नमेंट। एक काम कर, ये ले चाबी, पीछे एक ब्लू कार खड़ी है, बलेनो, ठीक है, चलाने आती है ना। एक काम कर, पीजी गवर्नमेंट जा, वहां से माँ को निर्मला हॉस्पिटल शिफ्ट कर। निर्मला हॉस्पिटल? पापी क्यों? वहां मेरे पापा की अच्छी पहचान है, सर्विस अच्छी है और ऑपरेशन भी अच्छे से होगा। पर पैसे? तू सिर्फ जा और पहुंचते मुझे फोन कर। पर यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तू जा ही रहा है तो मेरी स्कूटी लेके जा। आराम से जाना।
सर कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? तुमने जो कुछ भी देखा वो सपना नहीं था। मैं जब आया तो तुम बाहर लटके हुए थे। तुम्हें फांसी से मैंने ही उतारा था। तुम्हें बाथरूम तक ले जाने वाला भी मैं ही था और शावर भी मैंने ही ऑन किया था। इट्स ऑल राइट, टेंशन मत लो, मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगा। ये सब क्यों, क्या हुआ था ऐसा? कुछ नहीं, मुझे तो बस फ्रीडम चाहिए था। व्हाई डिड यू सेव मी? ओह, व्हाट वुड यू हैव डन इफ आई वेयर इन योर प्लेस? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आई थिंक मेरा सवाल ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो स्टोरीज तुम्हारे कंसेप्ट पढ़े मैंने, एक स्क्रिप्ट और ये अवार्ड्स, तुम जैसा आदमी वाला आत्महत्या क्यों करेगा? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम, यू नो ये दुनिया प्रॉब्लम से ही तो बनी है। और मुझे तो इवन लगता है कि इवन लाइफ इज अ प्रॉब्लम यार। साला जियो तो प्रॉब्लम, मरो तो प्रॉब्लम, पैसा ना हो तो प्रॉब्लम, और पता है टैलेंट होना तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि लोग चैन से जीने नहीं देंगे। और उन स्टोरीज का क्या, तुम्हारी इमेजिनेशन का क्या, तुम्हें जरा भी आइडिया है? वो जो तुमने लिखा है वो शायद ही किसी के दिमाग में आया होगा। अरे वो
वो तो कचरा यार, कचरा, टोटल वेस्ट। तुमने देखा नहीं उसमें रोमांस का है, फालतू का ड्रामा का है, गाने का है, एटलीस्ट 6-7 तो होनी चाहिए, है ना? तुम्हें पता है मेरे स्टोरी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो स्पेस पे बेस्ड है, पर नहीं, लोगों को सुनना ही नहीं है, उन्हें देखना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें उनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। उन्हें ना बस फालतू के एक्शन सीन चाहिए, रोमांस सीन चाहिए जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई नहीं, कुछ भी होता है। तुम्हें पता है मैं यहाँ एक सपना लेके आया था, मुझे लोगों का नजरिया बदलना था मूवीज को लेके, पर मैं वो नहीं कर पाया। हमें हमेशा से सिखाया गया था कि चेंज इज इजी एंड इनविटेबल, बट नहीं, इट्स हार्ड एंड अनएक्सेप्टेबल। पर ये तुम्हारे रियल प्रॉब्लम नहीं है, राइट? यू हैव गॉट समथिंग वर्स आई गेस। मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, पर पापा ने फोर्स किया इसलिए करना पड़ा। कॉलेज का सेकंड रैंकर था। पिछले साल जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो मैं यहाँ आ गया, कुछ महीने जॉब की। पापा ने कहा यू आर फ्री नाउ, गो फाइंड अ जॉब एंड मेक अ लिविंग, पर मैं फ्री नहीं था। मुझे यहाँ घुटन सी हो रही थी, तो फिर बस सब कुछ छोड़ के बस लिखने बैठ गया। पर एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद मेरी पहली स्टोरी कंप्लीट हो गई। मैं बहुत खुश था, बहुत। ये स्क्रिप्ट लेके मैं बहुत जगहों पे भटका, बहुत लोगों से मिला, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कुछ दोस्त मिले, फिर नाम क्या, उन्होंने कहा जितना बड़ा प्रोड्यूसर उतने ज़्यादा पैसे। मेरे पास कोई चांस नहीं था, मुझे वो करना ही पड़ा। और एक साल में मेरे लगभग 4 लाख रुपए बर्बाद हो गए। और हाँ, यही मेरी प्रॉब्लम है। पर जॉब तो तुमने छोड़ दी थी, तो अपॉइंटमेंट के पैसे कहाँ से आते थे? घर वालों से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं थी, दोस्त भी सारे सब पीछे हट गए। फिर एक ही ऑप्शन बचा था, पापा के नाम से लोन लेना शुरू कर दिया। उन्हें तो अभी भी ये लगता है कि मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ, उन्हें बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं, देवेंद्र चतुर्वेदी, अविनाश चतुर्वेदी स्टेट के बड़े बिजनेसमैन, उनका ही छोटा बेटा, और ऑफिशियली फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रीन प्ले राइटर, और जल्दी अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोलने वाला हूँ। तुम्हारी स्टोरीज पड़ी पड़ी, और अगर ये मूवी बनी तो इंडिया की सबसे पहली स्पेस मूवी और बड़ी ब्लॉकबस्टर भी साबित हो सकती है। चलो, तुम्हारा पूरा कर्जा एक चेक में फाड़ देता हूं। ये रहा तुम्हारा 4 लाख का कर्जा, और ये लो ब्लैंक चेक, इस फिल्म के लिए जो तुम फीस लोगे वो लिखो। पर ये चेक मैं तुम्हें क्यों दूं? और मैं कर भी क्या सकता था, उस स्क्रिप्ट से मेरी बहुत उम्मीदें थी। हाँ, मैं तुम्हारे टैलेंट की कदर करता हूँ, और ऑफ कोर्स तुम किसी बड़ी कंपनी में काम करना डिजर्व करते हो, पर इस चीज के लिए तुम्हें उस स्क्रिप्ट का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें बात है तो तुम एक 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म से भी लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हो। और जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी सोच लोगों से अलग है, लोगों से बड़ी है, तो इनडायरेक्टली तुम एक रेस में पहुंच जाते हो, एक रेस जो सिर्फ तुम जैसे लोगों के लिए बनी होती है, एक रेस जहां पूरी दुनिया बैठी तुम्हारा तमाशा देख रही होती है, और उस रेस को 10 गुना मुश्किल बनाते एक नेगेटिव पर्सनैलिटी जो तुम्हारे ही अंदर छुपी होती है, जो भागते वक्त तुम्हें खींचेगी, तुम्हें डीमोटिवेट करेगी, तुम्हारा खुद पर से ये भरोसा उठा देगी। पर अगर तुम्हें हारने वाली सोच रखते हो ना, तो तुम्हें कोई हक नहीं कोई रिवॉल्यूशन लाने का या ऐसी सोच भी रखने का, क्योंकि
इस सोच के लिए, ऐसी सोच के लिए बहुत करेज लगता है, आसान नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कर सकते हो तो तुम्हें रुकना नहीं होगा, तुम्हें भागते रहना होगा जब तक तुम एंड लाइन को क्रॉस नहीं कर दे। अगर अब जीने की थोड़ी सी भी इच्छा हो या मेरी कही हुई कोई भी बात तुम्हें कहीं चुभी हो, यह है मेरा कार्ड, कल ऑफिस आ जाना। रुको, इतनी जल्दी कर भी लिया फैसला? मैंने अपनी लाइफ में आज तक बहुत कुछ खोया है, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। तो अब इस चेक का क्या करना है? मुझे बस मौका चाहिए था और वो मुझे मिल गया, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जो काम करूंगा इसी के पैसे लूंगा। ओके देन, टेक योर चॉइस। तो डायरेक्टर साहब, कल दोपहर ऑफिस में।